दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 13 में जबरदस्त बवाल का दौर चल रहा है। शो के आखिर तक पहुंचने की होड़ में सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़कर उन्हें नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इसके चलते कुछ कंटेस्टेंट के इमेज गिर रही है तो कुछ को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में एक कंटेस्टेंट है आसिम रियाज, उन्हें घर के बाहर से फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। शायद यही कारण है कि उन्हें बिग बॉस के घर से निकलने के पहले ही कई और बड़े शोज के ऑफर मिलने की खबरें आने लगी। आसिम रियाज यूं तो घर के अक्सर ही लड़ते देखे जाते हैं, लेकिन वो टास्क पूरा करने में भी जी जान लगा देते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ तो उनकी फाइट जबरदस्त चर्चा में रहती है। वही अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसिम को एक और बड़े रियलिटी शो का ऑफर मिल गया है, वो भी बिग बॉस 13 से निकलने से पहले ही। ये शो है रोहित शेट्टी का रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11। इस शो में पहले ही कई बड़े बिग बॉस कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, मनवीर गुज्जर और विकास गुप्ता भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट से मिलने गए थे। इसके बाद ही आसिम के भाई उमर को आसिम को शो से लाने के लिए अप्रोच किया गया। वही ये आसिम के लिए वाकई एक और बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस शो का ऑफर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और उनके हर टास्क को शानदार तरीके से पूरा करने की क्षमता को देखते हुए दिया गया। इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि आसिम के लिए कई और शोज के ऑफर भी जल्द ही आ सकते हैं। इससे पहले 3 जनवरी को प्रसारित हुए बिग बॉस 13 के एपिसोड में प्रेम ज्योतिष पहुंचे थे। उन्होंने भी आसिम को बता दिया था कि ये साल उन्हें करियर के लिए काफी बड़ा साबित होने वाला है, यानी उन्हें एक से बढ़कर एक ऑफर मिलने को तय है। प्रेम ज्योतिष ने ये भी बताया था कि आसिम को बोलने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वो बोलना कुछ और चाहेंगे और लोग कुछ और ही समझ लेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आसिम बिग बॉस से निकलते ही धमाका मचाते हैं या फिर नहीं। फिल्मी अड्डा से सुरभि मिश्रा की रिपोर्ट।